जी देखिए, जो भी आरोप मेरे पे लगाए जा रहे हैं सारे गलत हैं। ये फालतू की नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, मेरे को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, और आप सबने देखा कि मैंने कितने बड़े पैमाने पे इनकी मदद की है। मैं ये सब काम करता आया हूँ, बहुत सालों से करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रातों रात गया, इनकी वीडियो बना दी और इनकी मदद हो गई। देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी की है, मैंने कभी किसी के लिए फंड रेज नहीं किए। मैंने बाबा के ढाबे के बाद आगरा वाली अम्मा की भी मदद की है जाके, मैंने उनके लिए फंड रेज नहीं किए। मैंने कांजीवड़े वाले बाबा हैं आगरा में, उनके लिए फंड रेज नहीं किए। मैं अमृतसर होके आ गया, मैंने वहां पे किसी के लिए फंड रेज नहीं किए। अगर मेरे मन में कोई चोर होता या अगर मुझे किसी की मदद नहीं करनी होती तो मैं क्यों इन्हीं के लिए फंड रेज करता? क्योंकि मुझे लगा कि ये डिस्ट्रेस में, कि इनको जरूरत सबसे ज्यादा है। और मैंने ये वीडियो में बोला, बाबा 30-40 हज़ार रुपए अगर इकट्ठे हो जाएंगे ना तो आपको दे जाऊंगा, नहीं होंगे तो भी अपने आप से दे जाऊंगा। तो मेरे को क्या पड़ी थी जी इनके पास पहुंचने की, इनकी मदद करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि मैं एक फूड एक्सप्लोरर हूं और मैं बहुत सारे खाने एक्सप्लोर करता हूं, मेरा यही काम है। मैं इनके पास गया, मैंने इनको बोला कि बाबा आप तो इतनी अच्छा खाना बनाते हैं, आप बेच क्यों नहीं पाते? तो मुझे लगा कि इनको ना कहीं मार्केटिंग की जरूरत है, ये मार्केट नहीं कर पाते अपने आप। तो मैंने पूछा आप कितना मटर पनीर बनाते हैं? बोलते हैं 250 ग्राम मटर पनीर बनाता हूं, वो भी नहीं बिकता। इनकी आंखों से आंसू आ गए, मेरी भी आंखों से आ गए, क्योंकि मैं खाने को प्रमोट करने वाला हूं, बहुत सालों से करता आया हूं। तो इसी तरीके से मैंने कहा चलिए मैं आपकी एक वीडियो बनाता हूँ, देखते हैं किस तरीके से रिस्पांस मिलता है। बट इतना वायरल रिस्पांस मिलेगा मुझे नहीं पता था। उसके बाद मेरे पे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि आपने भाई इनके 20-25 लाख रुपए खा लिए। बाबा ये एलिगेशन मेरे पे लगा रहे हैं विदाउट इवन चेकिंग द फैक्ट्स। उनको पता नहीं है कि मेरे पास कितने अकाउंट में, मेरे अकाउंट डिटेल्स ये सारी जो मैं आप सबके सामने रखूंगा, तो मेरे अगर अकाउंट में 20-25 लाख रुपए होते तो मेरे बैंक अकाउंट में जरूर दिखाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी, मेरे पास कोई 20-25 लाख नहीं है। मेरे को ये याद है कि 8 तारीख को बाबा को लगभग 70-75 हज़ार रुपए लोग कैश देके गए थे वीडियो देखने के बाद। वो मैं खुद गया था उनके साथ बैंक कि चलिए आप झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आप थोड़ा सा बैकवर्ड में रहते हैं, आपके पैसे थोड़े से सेफ रहने चाहिए, आप चलिए हम आपकी मदद करते हैं और आपको पुट फॉरवर्ड करते हैं, आपके पैसे जमा कराते हैं। तो जब मैं पहुंचा जी बैंक में और मैंने इनके 75 हज़ार रुपये जमा करा दिए, जिसकी रिसीप भी बैंक के पास, तो सारी डिटेल्स होंगी, तो इनके पास 75 हज़ार रुपये इनकी जमा करा दिए और हमने बैंक से सिर्फ ये जानकारी मांगी कि आप हमें पासबुक में ये एंट्री दे दीजिए कि 75 हज़ार रुपये इनके बैंक में आ गए। तो बैंक ने एंट्री देने से मना कर दिया, ये कह के कि जी इतनी सारी ट्रांजैक्शन है कि इनका बैंक अकाउंट ही सीज हो गया। ये बात है 8 तारीख की दोपहर को 3 बजे की, और 7 तारीख को हमने वीडियो डाली थी। तो आप सोचिए अगर किसी का अकाउंट सीज हो जाता है तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है? रीजन यही होगा कि अनअप्रोप्रिएट फंड्स आ रहे हैं और इतनी बड़े पैमाने पे आ रहे हैं कि इतनी सारी उनके पास सेविंग्स आ चुकी हैं कि उनको शायद जरूरत नहीं है। बैंक से बाहर निकलते ही मैंने एक वीडियो डाली कि भैया अब आप इनकी मदद मत करिए, क्योंकि इनको जो फंड चाहिए थे वो इनको मिल चुके हैं, इनकी मदद हो चुकी है। बाबा ने खुद वीडियो में बोला है कि आप किसी और गरीब की जाके मदद करिए, आप मेरी मदद मत करिए और किसी गरीब की जाके मदद करिए, मुझे जो मदद मिलनी थी मुझे मिल चुकी है मदद। तो आप सोचिए जब वो खुद ये बात बोल रहे हैं 8 तारीख की दोपहर को, 7 तारीख वीडियो, तो कितना इनके पास पैसा आ चुका होगा उस समय? देखिए उस समय जो हमें पता चला था 20 लाख रुपए के आसपास इनके अकाउंट में पता चला था, और लोग ये कहते हैं कि आपने बोला आपकी अपने आपके अपने खाते में आया, जबकि मेरे पास इसका भी प्रूफ है कि मैंने शेफ के साथ बात जब की थी, जब मैंने लाइव इंटरेक्शन किया था, मैंने उन्हें बताया कि शेफ इनके अकाउंट में 20 लाख रुपए आ चुके हैं, और मैंने लोगों को ये भी वीडियो में बोला है कि आप और ज्यादा मदद मत करिए क्योंकि इनकी शायद नीड अब पूरी हो जाएगी और लोगों की मदद भी आगे जाके करनी है। तो आपके अकाउंट, देखिए मेरे अकाउंट में 20-25 लाख रुपए अगर आए होते तो मेरे पास ये सारी बैंक डिटेल्स हैं जो मैं विदाउट एनी हेजिटेशन आप सबके सामने लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। तो ये देखिए जी, साथ आप थोड़ा सा अगर देखेंगे, मैं देखिए इतनी हद हो चुकी है कि मुझे अपनी पर्सनल डिटेल्स भी शेयर करनी पड़ रही है, मतलब अपने परिवार की भी शेयर करनी पड़ रही है और हर चीज मुझे शेयर करनी पड़ रही है, लेकिन मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 7 तारीख को मेरे अकाउंट में 1,20,000 रुपए मेरे अपने थे जी। उसके बाद इनके पास 6 तारीख से 10 तारीख तक की इनकी जो भी ट्रांजेक्शन आई है वो सारी हिस्ट्री है। तो ये देखिए 6 तारीख से लेके 7 तारीख तक का मेरे पास जो अकाउंट बैलेंस है वो 4,44,000 है, और अगर आप उसमें से 1,20,000 माइनस करेंगे तो समवेयर अराउंड 3,24 हो जाता है। बट मैंने इनको 3,33,000 रुपए का चेक दिया, ठीक है जी। और उसके अलावा इन्होंने एलिगेशन लगाया कि मेरी वाइफ के अकाउंट में इन्होंने पेटीएम से लोगों ने पैसे भेजे हैं, उसका भी चेक मैंने इनको दिया है 45,000 रुपए का। ये देखिए 45,000 का मेरी वाइफ के अकाउंट का भी चेक दिया है। उसके बाद मैंने इनके अकाउंट में, ये कहते हैं कि पैसे नहीं दिए, तो ये देखिए 1,00,000 रुपए अकाउंट ट्रांसफर कांता प्रसाद NEFT। उसके बाद 2,03,000 रुपए एक मैंने अपने अकाउंट से दिए और 34,000 का चेक। तो मतलब मैंने इनको टोटल 2,33,000 का चेक दिया, 1,00,000 रुपए ट्रांसफर किया, 45,000 रुपए अपनी वाइफ के अकाउंट से दिया। आप सोच,
देखिए मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, कौन क्या आरोप लगा रहा है, मेरे को बस डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं ना कि जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, भैया आप ये तो सोचो कि मैंने मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं कोई रातों रात स्टार नहीं बन गया, मुझे स्टार बनना भी नहीं है, मुझे इन लोगों की मदद करनी थी। लेकिन अगर मदद का सिला ये दे रहे हैं लोग, इतनी बुरी भला बोल रहे हैं हम लोगों को, तो क्या फायदा? आप बताइए किसी की मदद करने का? आप अगर किसी को किसी के पैसे चाहिए, आप जाइए बाबा से पैसे लीजिए ना अपने वापस। अगर आपको इतनी ही अनश्योरिटी है, उनके अकाउंट डिटेल्स को सामने लेके आइए, दिखाइए लोगों को कितने लोगों ने वो किया है। मेरे परिवार पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, मेरे परिवार पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, मेरे माँ बाप पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, 60-60 उम्र है, हम लोग खाना नहीं खा पा रहे एक हफ्ते से, सिर्फ इसी चक्कर में कि हमें नेगेटिविटी हमारे लिए फैलाई जा रही है। तो सर 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में होने तो चाहिए। आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ बाबा के अकाउंट में। सर मेरे पास ये वीडियो है जिसमें मैंने ये बोला है। आप एक मिनट अगर मैं आपको, और आप देखिए कितने नाशुक्र गुजार लोग हैं, मैं इसलिए ये भी आपको दिखाना बहुत जरूर चाहूंगा। बाबा बोलते हैं कि हमने गौरव को अपने पास वीडियो करने के लिए बुलाया ही नहीं, वो खुद ही चल के आया। क्यों आया भाई वो चल के? उसे हमें थोड़ा बोला था कि तू आगे हमारी मदद कर। आप सोच सकते हैं ये बात भी अगर कोई बोल सकता है तो इस दुनिया में। ये देखिए ये अपने अभी भी, ये कल की वीडियो है, ही स्टिल गिविंग हिज अकाउंट नंबर, somebody is telling him to give his account number or what I don't know, लेकिन आप चेक तो कराइए इनके अकाउंट में कि इनके कितने पैसे। ये बाबा ने वीडियो कल डाला, बोलते हैं गौरव ने मेरे पास खुद आया, मैंने उसे बुलाया नहीं था कि मेरी मदद कर भाई, तो खुद आया चल के। क्यों आया मेरे पास चल के? उसको आना ही नहीं था। सर आप मेरे पूरी आप अगर मैं गलत हूँ तो आप कराइए ना कार्रवाई, मैं तो डर ही नहीं रहा हूँ। मेरी कार्रवाई ये रही ना सर, मेरे ये रहे मेरे पेपर, आप कराओ जिस भी रिश्तेदार का, जिस भी घर वाले का, जिस भी परिवार का, सबकी कराओ सर, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।